पंजाब में कांग्रेस नेता आपस में ही लड़ रहे हैं, संबित पात्रा की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गाली की राजनीति कर रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी का नेतृत्व मंजूर नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य। आश्चर्य का विषय, जब सोनिया जी और राहुल जी यह सोच रहे थे कि उन्होंने पंजाब में बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव कर दिया है और उसके पश्चात को छुट्टी मनाने चले गए थे, उसी बीच जिस प्रकार से पंजाब में सिर्फ टव्वल हुआ है, चीफ मिनिस्टर चन्नी जी और सिद्धू जी के बीच में, यह आज देश से छुपा नहीं, यह महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई, क्लैश ऑफ एम्बिशंस चल रहा है। कोई भी पंजाब और पंजाब के एम्बिशन के बारे में नहीं सोच रहा, ये सारे नेता अपने अपने एम्बिशंस के बारे में सोच रहे हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सामने रख रहे हैं।